नमस्कार किसान भाइयों, मैं कृतिक साहू कृषि भाई खेती समाचार में आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ हेडलाइंस के साथ। बारिश में भीगे हजारों कुंटल गेहूं, करोड़ों का नुकसान। किसानों को मोबाइल पर मिलेगी सलाह। प्राकृतिक खेती से तैयार होंगे बीज। देश के ज्यादातर हिस्सों में होगी अच्छी बारिश। 30 जून से पहले जमा करें लोन, नहीं तो 7% की दर से लगेगा ब्याज। अब खबरें विस्तार से। गुजरात, महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तूफान तावते का असर दिख रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल, सागर, नरसिंहगढ़, रीवा, सतना, दतिया, होशंगाबाद आदि जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश हुई है। प्रदेश के इन क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके चलते गेहूं खरीद प्रक्रिया पर भी असर पड़ा है। बारिश से रीवा और सतना के खरीद केंद्र पर रखा करोड़ों रुपए का गेहूं गीला हो गया है। गीली होने की वजह से प्याज की फसल भी खराब होने लगी है। किसान भाइयों, मौसम को देखते हुए फसल सुरक्षा की उचित व्यवस्था करें। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश कृषि विभाग व्हाट्सएप पर सक्रियता बढ़ाने जा रहा है। प्रदेश में व्हाट्सएप और मोबाइल के जरिए किसानों की समस्या का समाधान किया जाएगा। गांव-गांव में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें किसानों के साथ साथ कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों को भी जोड़ा गया है। इसके जरिए किसानों को मोबाइल पर फसल, फसल के कीट रोग, मौसम, सरकारी योजना आदि की जानकारी दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 42 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती से बीज तैयार करने का लक्ष्य रखा है। प्राकृतिक खेती के जरिए कुत्ती, उड़द आदि के 525 क्विंटल बीज तैयार किए जाएंगे। सरकार ने 19,000 हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन की खेती का लक्ष्य भी रखा है, जिससे 37,240 मैट्रिक टन दलहन उत्पादन करने की योजना है। कृषि विभाग के फार्मों में भी प्राकृतिक खेती की जाएगी। फार्मों के 25 हेक्टेयर क्षेत्र में दालों का उत्पादन होगा। इस बार देश के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है। मानसून सामान्य से बेहतर रहने का अनुमान जताया जा रहा है। स्काईमेट वेदक के मुताबिक भारत के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में जून से सितंबर महीने तक 103% बारिश होने का अनुमान है। अच्छी बारिश से खरीफ फसल का रकबा बढ़ेगा। धान, कपास और मूंगफली की बुआई समय से हो सकेगी और पैदावार भी बढ़ेगी। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड बकाया चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। इससे किसानों को करीब 40 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है। किसान भाइयों, समय रहते अपना लोन चुका दें, नहीं तो अतिरिक्त ब्याज देना पड़ सकता है। केसीसी पर तय समय तक 4% की दर से ब्याज लगता है। तय समय के बाद यह दर 7% हो जाती है। ऐसे में यदि 30 जून से पहले लोन नहीं चुकाया गया तो 7% की दर से ब्याज देना होगा। किसान भाइयों, कृषि भाई खेती समाचार आपको कैसे लगे हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।